Hey guys, what's up? I hope everyone is doing well in their life. It's cool that you are doing well. But in this video, I am going to talk about the Zenpa UG22. What is the Zenpa UG22 and what the basic needs for this? And you go from the title, you have to understand that what's the reason if you want to admit in this exam, you want to participate in this exam, you have to remember some points. That points are really known to you, but I have discussed all the point, all the important topic, and not only the top important topic, I have also covered in this video. The timetable of Zenpa UG22, the information bulletin, the rules of examination, the FAQ, the seat matrix, the nursing colleges, and what about the courses. Everything is detailed, in detail it's covered. But remember one thing, that before going to start in this video, make sure that you have subscribed my channel. Also, don't forget to like and share this channel with your friends and your batchmates. So without wasting our time, let's get started. आ जाते हैं कि Zenpa क्या होता है. मैंने पहले भी बता दिया, Zenpa एक WBJE के द्वारा एक ऐसा एग्जाम होता है जिससे आप नाइन कोर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. नाइन कोर्स कर सकते हो यूजी के अंडर, वो भी WBJE के. आप नॉट ओनली फॉर द इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट मैट्रिक का हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं कि Zenpa का जो भी काउंसलिंग का जो ये कितना महत्व, ये कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे. आपको लग रहा होगा कि पिछले दिनों जो भी कोविड के वजह से काफ़ी ज़्यादा मेडिकल डिपार्टमेंट वाले की काफ़ी मेडिकल की जो मेडिकल डिपार्टमेंट वाले काफ़ी हमारे मदद में रह चुके हैं. इस वजह से जो सरकार ने मेडिकल डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा जॉब की प्रेफरेंस से बोले, या फिर आप अगर जॉब या फिर सिक्योरिटी रीजन के वजह से बोले कि मेडिकल डिपार्टमेंट काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट हो रही है. इस वजह से आप लोग नॉट ओनली, अगर एक सिंगल एग्ज़ाम दे के अगर आपको नाइन कोर्स में एंट्री मिल रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. नाइन कोर्स आर यार BSc नर्सिंग, BMT, BMLT, BSc CCT, BSc OTT, BSc PT, BSc PA, BSc MM, BHA बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. हर एक का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है. अगर आपको नहीं डाउट हुआ है तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो. इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा का प्रोसेस होगा वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं. व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द सीट मैट्रिक्स, द एवरीथिंग अबाउट द एंड द परफॉर्मा, व्हाट इज़ द परफॉर्मा. इट्स अबाउट द कौन सा आपको कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, कौन सा परफॉर्मा आपको साइन करके आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपको काउंसलिंग हो सकता है, आपको एडमिशन के, आपको जो भी एग्ज़ाम के वक्त ना लगे, इसके अलावा आपको एडमिशन के वक्त लगे या फिर काउंसलिंग के वक्त, सारा का सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा. अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में. इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैं आपसे सबसे पहले बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग स्टार्ट करेंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, द फॉलोइंग सब सेक्शंस डिस्क्राइब द क्राइटेरिया एज पर द लेटेस्ट कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज WBUHS एंड द डिपार्टमेंट ऑफ H&FW गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे लगभग आपका सेम है. फॉर आपको लाइक फर्स्ट पॉइंट इज द एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड है कि द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ट ऑलरेडी और मस्ट बी प्रिपेयरिंग इन 22 इन द क्लास 12 इन सिस्टम ओनली, 10+2 सिस्टम ओनली. द एप्लीकेंट इज मस्ट बी एटलीस्ट 17 ईयर्स एज ऑन 31st of 12 22. फॉर एग्जाम्पल द एप्लीकेंट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और बिफोर 31st of December 2005. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एडमिशन की अगर बात करें, जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल. काफ़ी लोगों को ये काफ़ी हद तक, ये अभी तक अगर आप लोग मान लो स्टूडेंटों में भी अभी तक ये हद है. पेरेंट्स तो चलो पेरेंट्स को उतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स में भी ये लगा रहता है कि दिस Zenpa नर्सिंग इज ओनली फॉर द गर्ल्स एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल. नर्सिंग सिर्फ
गर्ल्स के लिए नहीं होता, नर्सिंग गर्ल्स मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन ऑल कोर्सेज अंडर जेनपा। जेनपा के अंदर जितना भी 9 कोर्स मैंने बता दिया उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। अपर एज क्राइटेरिया की अगर बात करें, नर्सिंग के लिए 35 अपर एज लिमिट एज ऑन द 31st of December 2022 एंड द कोर्स आर BMLT, CGT, OTT, PET, APA, MMB, BHA। इसके अलावा एकेडमिक क्राइटेरिया के बारे में बात करें जो भी लगभग आपका वही रहता है, 45% आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कुछ केसों में आपको इंग्लिश भी मैंडेटरी है, लाइक आपका BMT अगर करना चाहते हो, आपको BMLT करना चाहते हो, SST, CCT करना चाहते हो, OTT करना चाहते हो, PT, PA, MMB करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश भी लगेगा। इट्स ओके यार, आपका जो 12 में जो भी प्लस 2 में आता है इट्स एनफ फॉर योर कोर्स। एंड द अदर थिंग इज व्हाट इज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज द नथिंग बट कि आपको ओनली एडमिट कार्ड्स एंड रैंक कार्ड्स जो भी मिलेगा वो चलता रहेगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। सीट मैट्रिक्स की अगर बात कर ले कि अगर यहाँ पे मेरा पूरा लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपने अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, अभी तक वीडियो को देख लिया तो डेफिनेटली करो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो यार। काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी मेहनत लगती है, यू वन शेयर और वन सब्सक्राइब लाइक ए बूस्टर, समझ नहीं सकते ये कितना ज़्यादा एनर्जी देती है। एंड अगर बात कर लेते हैं जो भी सीट मैट्रिक्स, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ पे डाल दूंगा मैं। इसके अलावा जो परफॉर्मर है वो भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एंड द नर्सिंग जो भी कॉलेज, कितना कॉलेज, कौन सा कॉलेज में क्या क्या, मतलब टोटल कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इंस्टेंट एड्रेस, हर एक चीज़, मतलब वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, हर चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। क्या आपका जो सेफ स्कोर है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए, आपका पसंदीदा कॉलेज के लिए सेफ स्कोर कौन सा है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, जब तक मैं हूँ आपको सिर्फ करना ये होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वेस्ट बंगाल का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, मतलब जेनपा की रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आप लोग चाहो डेफिनेटली, मैं हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बताऊंगा, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आप लोग चाहो तो पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो। इससे होगा क्या, आप अगर इसे एक बार, हो सकता है काफ़ी बार ये होता है कि आपको ध्यान नहीं रहता, आपको याद नहीं रहता। सो इसका और एक सॉल्यूशन है कि आपको सब्सक्राइब करके रखना है बेल आइकन को दबा के, कि जब भी मैं इसी तरह कोई भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको देता रहूँगा वीडियो बना के, और आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया वही, अगर आपने SC ST PWD है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा जो भी है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रिजर्वेशन पॉलिटिक्स पॉलिसीज ऑफ द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ HNFW गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी फॉलोड फॉर द एडमिशन इज इन रिजर्व सीट्स फॉर द SC ST OBC A OBC B। इसके अलावा सच रिजर्वेशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द कैंडिडेट्स हु आर इंडियन सिटीजन एंड डोमिसाइल इन द वेस्ट बंगाल। कुछ रिजर्वेशन है जो कि अगर आप WB डोमिसाइल से हैं तो आपको कुछ एडवांटेजेस मिल जाती है। एंड इसके अलावा कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एज गिवन बिलो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप गवर्नमेंट आपके अंडर आप लोग आते हैं, ये बोलने से नहीं चलेगा, आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा। इसके अलावा रेसिडेंसी या डोमिसाइल क्राइटेरिया, हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया है एंड हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मैं पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन का मैं दिया हुआ PDF, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम, टोटल मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया गया। अगर फिर भी कहीं पे आपको दिक्कत होती है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग किए बिना आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना। अपलोडिंग इमेजेस क्राइटेरिया अगर आपको, मतलब लगभग ये सेम है, अगर जो भी पार्टिसिपेट, इसका जो फीस है वो 650 है एंड 400 फॉर SC ST OBC B एंड OBC A कैंडिडेट्स
एंड और नॉर्मल के लिए जो भी है पेपर वन एंड पेपर टू के लिए फी एग्जामिनेशन 500। इसके अलावा पेपर वन एंड पेपर टू बोथ के लिए अगर आपको चाहिए तो 800 एंड 650 फॉर द SC ST OBC ए OBC बी। एंड इसी तरह कंफर्मेशन आपको जो भी मतलब कोई भी आपको जो भी टोटल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया दिया गया है। एडमिट कब कब रिलीज़ हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। जो भी टेंटेटिव एडमिट का रिलीज डेट है वो 6 मई में बताया गया जो कि फ्राइडे को है। एंड इसके अलावा आपको जो एडमिट कार्ड के अलावा आपको जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करते हैं इवेल्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आई थिंक इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके अलावा जनरल रूल्स अबाउट द डॉक्यूमेंट्स एंड मैं कवर कर रहा हूँ इसमें द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट मैं बाद में आपको डिस्कस करके बताऊंगा, अभी फ़िलहाल आप अपना एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए जितना हो सके। एंड द अदर थिंग इज़ कि जो भी परफॉर्म ऑलरेडी मैंने डाल दिया है अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हुई, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका है। जो भी सीट मैट्रिक्स वाला वो भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड वन मोर थिंग दैट यू गाइज आर बी प्रिपेयर फॉर दिस, इफ यू वॉन्ट टू नो द व्हाट इज़ द बुक, व्हाट इज़ द बेस्ट बुक फॉर दिस एग्जाम। एंड आई डेफिनेटली रिकमेंडेड ये वीडियो दैट मेड बाई मी एंड दैट इज अवेलेबल इन माई चैनल, सो गो थ्रू इट and check out the video. Video also available in the I button left side में, आपको right side में corner में आपको देखने को मिल जाएगा। and not for this अगर आपको कोई भी अगर problem होती है चाहे वो registration या फिर कहीं भी समझ में, तो definitely contact with me with comment or my social handles which are available in my description. So don't worry about that, हर एक तरह का कोई भी समस्या हो तो definitely मेरे से contact कीजिए। So that's for today guys, see ya, have a good day, I will catch up you in the next